दोस्तों, मेरा नाम है दानिश, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बिल्कुल एक नए मैलवेयर के बारे में जो कि शायद अभी इस वक्त आपके मोबाइल के अंदर हो सकता है। तो मैं उसी के बारे में इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, इस मैलवेयर का नाम है एजेंट स्मिथ और ये एजेंट स्मिथ ने अभी तक अराउंड 25 मिलियन डिवाइसेस को इफेक्ट कर चुका है। मतलब 25 मिलियन डिवाइसेस में अभी एजेंट स्मिथ मैलवेयर है और ये जो रिपोर्ट है वो आई है चेक पॉइंट की तरफ से। और चेक पॉइंट ऐसा कहता है कि सबसे ज़्यादा जो मोबाइल इफेक्ट हुए हैं वो सब कॉन्टिनेंट में हुए हैं, मतलब इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, मतलब इन तीनों कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा ये मैलवेयर देखने को मिला है। US में भी देखने को मिला है, UK में भी देखने को मिला है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिला है। अगर मैं UK की बात करूँ तो यहाँ पर 3,03,000 डिवाइसेस में ये मैलवेयर मिला है और जो UK में है वो है 1,37,000 मोबाइल में ये मैलवेयर आपको देखने को मिलता है इस टाइम। और ये जो मैलवेयर है वो सबसे ज़्यादा देखा गया है ये जो सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं इसी में सबसे ज़्यादा देखा गया है। और गूगल अपने प्ले स्टोर से ऐसी 16 ऐप्स को हटा चुका है जिसमें ये मैलवेयर देखने को मिला है। तो जल्दी से मैं इन सारी ऐप्स का आपको नाम बता देता हूँ, अगर आपके मोबाइल में इनमें से कोई भी ऐप है तो आप उसको रिमूव कर देना। तो मैं यहाँ पर आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ, इनमें ये 16 ऐप्स का नाम है, अगर आपके मोबाइल में इनमें से कोई भी एक ऐप है तो उसको फौरन डिलीट कर दीजिए क्योंकि वो आपको ज़बरदस्ती के एड्स दिखा रही होगी और आपका डेटा भी ले रही होगी। मैं इसके बारे में डिटेल में अभी बात करता हूँ, लेकिन इनमें से कोई भी ऐप आपके मोबाइल में है तो उसको फौरन डिलीट कर दीजिए क्योंकि प्ले स्टोर में से भी वो डिलीट हो चुकी है। बस एक दो ऐप हैं जो प्ले स्टोर से अभी डिलीट नहीं हुई है लेकिन कुछ टाइम में वो डिलीट हो जाएंगी क्योंकि प्ले स्टोर ने बोल दिया है कि ये 16 ऐप इस मैलवेयर से इफेक्टेड हैं जिसका नाम है एजेंट स्मिथ। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये जो एजेंट स्मिथ मैलवेयर है वो आया कहाँ से है। तो ये जो मैलवेयर है उसकी शुरुआत चाइना से हुई है, मतलब चाइना के जो ऐप डेवलपर हैं उन्होंने ये मैलवेयर एक तरीके से बनाया है और वो इंटरनेट के थ्रू इंटरनेशनल मार्केट में ये मैलवेयर फैला रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो इफेक्ट पड़ा है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और ये जो मैलवेयर सबसे ज़्यादा फैलाया गया है वो 9 ऐप्स की मदद से फैलाया गया है क्योंकि 9 ऐप्स एक ऐसा ऐप स्टोर है जो कि एशियन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और अगर मैं बात करूँ ये जो मैलवेयर था वो क्या करता था, वो आपको ज़बरदस्ती के पॉपअप ऐड दिखाता था। मतलब जैसे आपका मोबाइल स्विच ऑफ है, जैसे ही आप ऑन करते हैं तो उसमें एक पॉपअप ऐड आ जाता है, या आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं तो एक फौरन आपके सामने एक पॉपअप ऐड आ जाता था, और ऐसे आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो आपके सामने एक फौरन ऐड आ जाता था। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग होती है और मैंने कई सारे लोगों के मोबाइल में ऐसा देखा है और शिकायत भी मुझे देखने को मिली है कई बार कि भाई कुछ होता नहीं है, ज़बरदस्ती एक पॉपअप ऐड आ जाता है। तो अगर आपके पास कोई पॉपअप ऐड आ रहा है बिना फालतू के, मतलब आप किसी से चैट कर रहे हैं और आपके सामने एक ऐड आ जाता है, तो मतलब शायद आपके मोबाइल में ये मैलवेयर हो सकता है। तो ये मैलवेयर काम कैसे करते हैं, मतलब आपने ये जो ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करी या 9 ऐप्स या किसी भी थर्ड पार्टी प्ले स्टोर से डाउनलोड करी, उसके बाद क्या होता था, ये जितनी भी ऐप्स हैं वो चाइनीज डेवलपर ने डेवलप करी हैं तो उसका हमें नहीं पता कि वो ऐप आपके मोबाइल में क्या चीज़ देख रही है, मतलब नहीं पता। और ये चीज़ भी चेक पॉइंट की रिपोर्ट में आई है कि इससे कुछ जो ऐप्स हैं वो इन्फेक्टेड हो गई थी, मतलब जैसे कि व्हाट्सएप, MX प्लेयर, फ्लिपकार्ट, स्विफ्ट की और ओपेरा ब्राउज़र, ये सारी ऐप्स इस मैलवेयर की वजह से इफेक्टेड हो गई थी, जिससे मतलब आप इसमें कुछ भी अगर कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं जैसे व्हाट्सएप आप किसी से बात कर रहे हैं या ओपेरा पे ब्राउजिंग कर रहे हैं, MX प्लेयर पे कुछ देख रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे कुछ सर्च कर रहे हैं और स्विफ्ट की पे कुछ टाइप कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि जो इनकी इन्फॉर्मेशन है वो जो इनके डेवलपर्स हैं जो कि एजेंट स्मिथ मैलवेयर फैलाया है वहाँ तक पहुँच रही हो, मतलब चाइना तक पहुँच रही हो, और जिससे शायद आपकी प्राइवेसी को थोड़ा खतरा, मतलब थोड़ा नहीं, मतलब काफ़ी खतरा हो सकता है क्योंकि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो किसी और बंदे के पास जा रही है जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा खतरे वाली बात हो सकती है। और ये मैलवेयर बहुत ही आसानी से फैल रहा है, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि कोई भी एप्लीकेशन बस ऐसे ही इंस्टॉल नहीं करें, मतलब ऐसे ही इंस्टॉल नहीं करें, मतलब कोई भी एप्लीकेशन देखिए ट्राई करने के लिए आप इंस्टॉल कर रहे हैं, और APK आप थर्ड पार्टी से इंस्टॉल बिल्कुल भी नहीं करें, APK भी इंस्टॉल नहीं करें और कोई जो अदर ऐप स्टोर है वहाँ से भी कोई भी चीज़ को इंस्टॉल नहीं करें, मैं आपसे यही बोलूँगा। और क्रैक भी आप इंस्टॉल मत करें अपने डिवाइस में क्योंकि कोई भी मैलवेयर उसके अंदर हो सकता है और आजकल नया नया मैलवेयर देखने को मिलता है। और ये भी एक रिपोर्ट है कि इंडिया में हर 4 में से एक डिवाइस में वायरस होता है, एक मैलवेयर होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि अगर आपको नहीं पता कि ऐप्स कैसे इंस्टॉल करें, मतलब कौन सी ऐप इंस्टॉल करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो आप हर ऐप इंस्टॉल मत करें। अगर आपको अपनी सिक्योरिटी के बारे में पूरा भरोसा है, आप जानते हैं कि आप जो ऐप यूज़ कर रहे हैं वो क्या यूज़ कर रही है, क्या चीज़ चल रही है उसके बैकग्राउंड में, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तभी आप ऐसी कोई ऐप इंस्टॉल करें, अदरवाइज आप इंस्टॉल नहीं करें अगर आपको कुछ नहीं पता। और ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि कौन सी ऐप क्या यूज़ कर रही है, फॉर एग्जांपल आपका यूट्यूब और फेसबुक, आपका माइक हमेशा ऑन रहता है तो उससे वो आपकी इन्फॉर्मेशन
लेता रहता है और उस हिसाब से ऐड दिखाता रहता है। तो आप लोगों को ये तक नहीं पता होता है कि कौन सी एप्लीकेशन क्या क्या यूज़ कर रही है आपके मोबाइल का। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं तो यूट्यूब फेसबुक आपकी बात सुनते होते हैं, और अगर फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जैसे आप कीबोर्ड या मॉनिटर के बारे में उस कॉल में आप बात करते हैं तो फेसबुक और यूट्यूब पे आपको मॉनिटर और कीबोर्ड के एड्स देखने को मिलेंगे। मतलब इतनी ज़्यादा हमारी प्राइवेसी खुल चुकी है, मतलब प्राइवेसी है ही नहीं, हर चीज़ जो भी हम बात कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो वो पता होती है। तो उस चीज़ को आप डिसेबल कर सकते हैं, एक ऑप्शन होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कई लोगों को कुछ चीज़ें पता ही नहीं होती कि ऐसे सारे सिक्योरिटी ब्रीच हो भी रहे हैं, मतलब हमारी परमिशन के बिना। मतलब परमिशन तो हम ही देते हैं एक तरीके से, लेकिन हम सारी चीज़ को अलाव कर देते हैं, हम किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है कभी कभार। और जो ऐसे मैलवेयर हैं वो आपके मोबाइल में बहुत ही आराम से घुस सकते हैं अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन अलग से इंस्टॉल करी है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कोई भी एप्लीकेशन ऐसे इंस्टॉल मत करा करें जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं है। तो ये जो मैलवेयर है अभी के लिए 25 मिलियन डिवाइसेस को इफेक्ट कर चुका है और पता नहीं आगे कितना करेगा। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि जितनी भी ऐप्स मैंने आपको बताई हैं तो वो सारी रिमूव कर देना, और जितनी भी बेकार ऐप हैं जिसके बारे में आपको भरोसा नहीं है, जो ट्रस्टेड ऐप नहीं है, उनको उठा के आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, बिल्कुल ही अनइंस्टॉल कर दीजिए। और जो जेन्युइन ऐप हैं, जो पॉपुलर ऐप्स हैं, उसी को ही रखिए, क्योंकि जितनी भी ये सारी ऐप्स हैं ना इनकी रेटिंग भी अच्छी थी और इसमें 10-10 मिलियन डाउनलोड्स भी हुए थे कई ऐप्स में, तो बहुत ही ज़्यादा डाउनलोड लोगों ने करा था, इसी वजह से 25 मिलियन डिवाइसेस इफेक्ट हो गए हैं। तो आगे इफेक्ट ना हो तो इस बात का ध्यान रखना। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में तो पूछ ही सकते हैं, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मजेदार वीडियो रोज लाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस लव एंड हैप्पीनेस।